प्रश्नावली 2.4 के पार्ट 1 वीडियो में हमने प्रश्न 1 से प्रश्न 4 तक हल किया था। आइए अब हम इस प्रश्नावली के पार्ट 2 वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 5 से लेकर उसके आगे की प्रश्नों को हल करेंगे। तो पांचवा प्रश्न है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। तो मैं ये इसका पहला प्रश्न ले रहा हूं, इसमें है 8, 12, 15, 20। तो हमें सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो इनमें से प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम वह सबसे छोटी संख्या निकालेंगे जिसमें इन चारों से भाग लग जाए, और वह संख्या कौन सी होगी, इन संख्याओं का लसा अर्थात लघुत्तम समापवर्तीय या LCM। तो आइए सबसे पहले हम इसका लसा निकालते हैं। तो लसा निकालने के लिए हम इसका इस तरह से करते हैं, देखिए 8, 12, 15, 20। तो इसका इसमें हम भाग दे सकते हैं, सबसे पहले 2 से देते हैं, 2 चौके 8, 2 छक 12, ये 15 में नहीं जाएगा वैसे ही रहेगा, ये 2 से 20 में जाएगा 10। अब पुनः हम देख रहे हैं 2 से इसमें और इसमें भाग लग जाएगा, तो 2 से ही देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये 15 तो वैसे ही उतरेगा, 2 पचे 10। अब हम देख रहे हैं 2 से भाग सिर्फ एक ही संख्या में जा रही है, इसलिए 2 से भाग नहीं देंगे, अब हम 3 से भाग देंगे, तो ये 2 तो यही ऐसा ही रह गया, 3 एका 3, 3 पचे 15, और ये 5 वैसे ही उतर गया। अब 2 से भी नहीं जाएगा और 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 2 ये उतर गया, ये यहाँ हो गया 5 एका 5, 5 एका 5। तो इसका लॉस हमारा आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2। तो ये हो गया 2 दूना 4 तिहाई 12 25 60 दूना 120। तो हम 120 को इस तरह से लिख सकते हैं, 120 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2। यहां एक चीज हम गौर करके देखते हैं, क्या ये एक जोड़ा एक युग्म बन रहा है 2 का, लेकिन इस 3 का भी कोई युग्म नहीं है, इस 5 का भी कोई युग्म नहीं है, इस 2 का भी कोई युग्म नहीं है। अगर हम इसका युग्म बना दें तो ये वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये दाहिने तरफ हम इसका युग्म बना रहे हैं, तो इसका युग्म बनाने के लिए हमें कितने से गुना करना पड़ेगा, पहला इसका युग्म बनाएंगे तो 3 से गुना करेंगे, इस 5 का युग्म बनाएंगे तो 5 से गुना करेंगे, और इस 2 का युग्म बनाएंगे 2 का तो 2 से गुना करेंगे। तो यहां भी वैसे ही करेंगे, चूंकि हमने दाहिने तरफ गुना किया तो बाएं तरफ भी करेंगे, 3 गुना 5 गुना 2। अब हम देख रहे हैं कि इसको फिर से हम रीअरेंज कर दे रहे हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो ये एक जोड़ा बन गया। तो ये तो वर्ग संख्या बन जाएगी। तो देखिए हम इसको गुना कर देते हैं, 120 गुना 3, 3 पचे 15, 2 30। तो 30 से जब हम इसको गुना करेंगे 120 को, तो ये हो जाएगा 3600। तो यह 3600 ऐसी वर्ग संख्या है, सबसे छोटी वर्ग संख्या, जिसमें 8, 12, 15 और 20 से भाग लग जाएगा। तो इसे हम शब्दों में लिख सकते हैं,
वह सबसे छोटी वर्ग संख्या जिसमें आठ, बारह, पंद्रह एवं 20 से प्रत्येक लिख देते हैं, प्रत्येक है प्रश्न में, आठ, बारह, पंद्रह, 20 प्रत्येक से विभाजित हो। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या जो, चलिए थोड़ा सा हिंदी पर भी ध्यान देंगे, वाक्य पर, जो आठ, बारह, पंद्रह एवं 20 से 20 प्रत्येक से विभाजित हो, विभाजित हो सकती है। ये है हमारा 3600। प्रश्न संख्या 6। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में 1,764 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करते हैं। प्रश्न संख्या 6। तो इसे हम इस तरह से करते हैं। मान लिया कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 1 और प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने रुपए दिए? प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया दान, ये उतने ही रुपए दे रहे हैं जितने विद्यार्थी हैं, अर्थात ये भी एक्स हो जाएगा। इसलिए कुल जो दान है, कुल दान बराबर एक्स गुना एक्स हो जाएगा। विद्यार्थियों की संख्या एक्स है, दान प्रत्येक विद्यार्थी ने एक्स रुपया दिया है, तो फिर कुल दान हो जाएगा एक्स गुने एक्स, इतने रुपये, एक्स स्क्वायर। इसे भी हम रुपये लिख सकते हैं। लेकिन प्रश्न से, प्रश्न क्या कहता है? हमारा कुल दान है एक्स स्क्वायर, लेकिन प्रश्न में कितना दिया हुआ है? 1,764। दोनों बराबर होना चाहिए, या एक्स का वर्ग है 1,764। फिर से बोल रहे हैं, एक्स का वर्ग है 1,764। तो एक्स का एक्स क्या हो जाएगा? 1,764 का वर्गमूल। चूंकि हम जानते हैं वर्ग की उल्टी क्रिया है वर्गमूल, तो अब इसका वर्गमूल हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। 1,764 दो से भाग जाएगा, 2 8 16, 1 बज गया 16, 2 8 16, 2 2 4, फिर दो से जाएगा, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, 2 से अब नहीं जाएगा, देखते हैं 3 से जाएगा या नहीं। तो इसके लिए हम संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, 4 4 8 1 9, चूंकि 9 में 3 से भाग जाएगा तो 441 भी 3 से भाग जाएगा। तो 3 1 3, 1 बज गया 14, 3 4 12, 2 बज गया 21, 3 7 21। फिर जोड़ के देखते हैं, 4 1 5 और 7 12, तो फिर 3 से भाग जाएगा, तो 3 चौके 12, 2 बज गया 27,
तीन नमा 27। अब हम जान रहे हैं सात से आराम से चला जाएगा, 7 × 49। तो हमारा x बराबर ये 1764 का हमारा अभाज्य गुणनखंड ये आया है। तो इसे हम लिखेंगे दो गुना दो गुना तीन गुना तीन गुना सात गुना सात। तो ये युग्म बन जा रहा है, ये एक युग्म है, एक ये युग्म है, एक ये युग्म है। तो इस हर एक युग्म के लिए उसकी एक संख्या हम निकाल लेते हैं। तो ये दो गुना तीन गुना सात, तो दो तिहाई 6, 6 × 42। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर 42, और यही हमें निकालना था इस प्रश्न में। प्रश्न संख्या 7, समशुल ने एक विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच टॉफियां बांटी। टॉफी बांटने के लिए विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा किया गया। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। यदि शमसुल ने कुल 12,544 टॉफी बांटी तो पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालिए। आइए इसे हम हल करते हैं। मान लिया कि पंक्तियों की संख्या बराबर x, ये अभी ज्ञात नहीं है इसलिए हम इसे मान लेते हैं, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, ये प्रश्न के अनुसार उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी पंक्तियां हैं, तो ये भी x हो गया। तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे एक पंक्ति में, अगर x है तो x पंक्ति में कितने हो जाएंगे, x गुना x, x गुना x अर्थात x स्क्वायर। तो प्रश्न से अच्छा कुल टॉफी भी तो इतने ही बटेंगे ना, कुल टॉफी भी तो इतने ही बटेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या इतना है इसलिए कुल टॉफियों की संख्या भी यही होगी। कुल टॉफियों, एक एक टॉफी सभी को दिया जा रहा है, कुल टॉफियों की संख्या ये भी x स्क्वायर हो गया। कुल विद्यार्थी इतने हैं तो टॉफी भी इतने ही हो गए क्योंकि एक एक टॉफी सभी को दिया जा रहा है। तो प्रश्न से कुल टॉफियों की संख्या हमारा x है और यहां प्रश्न में दिया है 12,544, दोनों बराबर होगा। तो x स्क्वायर बराबर ये 12,544, तो x बराबर हो जाएगा 12,544 का वर्गमूल। तो हम 12,544 का वर्गमूल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हमने पहले से कर लिया है ये गुणनखंड अभाज्य समय की बचत के लिए। तो यहां देखे हैं कि दो कितने बार आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार। तो यहां पर हम लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 7 है दो बार, 7 × 7। अब यहां क्या करेंगे हम युग्म बनाएंगे, एक युग्म 2, 3, 4 ये 7 का युग्म। तो हर युग्म के लिए एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 7, और इसे जब हम गुना करेंगे तो आप गुना करके देखें 112 आता है। तो हमें क्या चाहिए था, कुल विद्यार्थियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या भी बताना है और विद्यार्थियों की संख्या, तो दोनों बराबर होगा इसलिए कुल पंक्तियों
की संख्या, ये आ गया 112। प्रश्न संख्या 8, एक आयत का क्षेत्रफल 1764 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करते हैं। प्रश्न संख्या आठ मान लिया कि आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई क्या होगी, ये दी हुई है 4 गुनी है तो यानी 4x, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगा x गुना 4x अर्थात 4x स्क्वायर। लेकिन प्रश्न से 4x स्क्वायर यानी आयत का क्षेत्रफल है 1764, तो या x स्क्वायर बराबर 1764 बटा 4, तो 4 से भाग देते हैं, 4 चौके 16, 1 बचा 16, 4 चौके 16, 4 का 4, और चूंकि x स्क्वायर 441 है तो x का मान हमारा हो जाएगा 441 का वर्गमूल, 441 का वर्गमूल। आइए 441 का वर्गमूल हम अभाज्य गुणनखंड से की विधि से निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले, तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से, 3 × 3 ये हो गया 14, तो 3 × 4 = 12, 1 बच गया, 2 बच गया सॉरी, तो ये 21 हो गया, 3 × 7 = 21, फिर 3 से चला जाएगा, 3 × 4 = 12, 2 बचा 27, 3 × 9 = 27, इस बार 7 से जाएगा, 7 × 7 = 49, तो ये 441 का जो हमने गुणनखंड किया अभाज्य गुणनखंड, तो ये 3 × 3 × 7 × 7, और इसका जब हम युग्म बनाते हैं, एक युग्म ये एक युग्म ये, तो इसके लिए हम बाहर निकालते हैं 1 + 3 + 7 यानी 21, तो हमारी आयत की चौड़ाई जो x थी, तो x का मान हमारा निकल गया, तो ये हो गया 21, और आयत की लंबाई ये 4x था यानी 4 × 21 बराबर 4 × 4 और 4 × 2 = 8, ये क्या है सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर, तो आयत की चौड़ाई हमारी आ गई 21 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई आ गई 84 सेंटीमीटर।